दोस्तों, देखिए मैं आज प्याज का पराठा लेके आई हूँ। तो हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम चलिए प्याज का पराठा बनाते हैं, आपको बताते हैं कैसे बनता है। हमें देखिए प्याज ले लेना है, तो हम इसे काट के चॉपिंग बोर्ड में डाल दिए और उसके बाद इसको हम बारीक पीस एक कद्दूकस कर लेंगे। उसके बाद में गाइस इसमें हम मिर्ची और धनिया सब डालेंगे, अच्छे से उसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए हमारा ये प्याज हो गया है। देखिए हम इसे अब प्लेट में डालेंगे। हमारा देखिए पहले से थोड़ा मसाला था बचा हुआ, तो और मैं मुझे और बनाना था, बच्चे लोग का बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सुबह 7 बजे का टाइमिंग है, मैं स्कूल का टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। गाइस आप लोग भी बना सकते हो अपने घर में, बच्चे का टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन। देखिए हम मिर्ची भी काट लिए हैं, चॉपिंग बोर्ड में डाल दिए हैं और इसे भी हम बारीक कर लेंगे। तो गाइस आप किसी भी टाइम इसको बना के आप खा सकते हो, घर में भाजी हो नहीं हो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खाली मिर्ची होनी चाहिए। प्याज हर घर में होता है, तो ये घर का ही सामान से बन जाएगा। गाइस आप इसे अपने मेहमान लोग को भी खिला सकते हो, कोई भी खा सकता है। इसकी प्याज की पराठा बहुत ही टेस्टी बनती है गाइस। चलिए हम बेलना आपको बताते हैं। देखिए हमने आटा, हमने रोटी बेल ली हूँ, इसको हमें इसे रोटी के जैसा बेल लेना है। अब इसे हमें चम्मच से डाल देना है। अब इसे हम नमक देके ऊपर से डालेंगे। गाइस आप लोग भी नमक ऊपर से ही डालिएगा, नहीं तो क्या होता है कि प्याज में से पानी निकलती है तो वो बनेगा नहीं, बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस हमारा चैनल पे कमेंट आता है कि प्याज का पराठा कैसे बनता है, एक बार हमें बताइए, क्योंकि हम लोग से टूट जाता है, फट जाता है। तो इसके लिए हम ये वीडियो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो देखिए हम कैसे बना रहे हैं। देखिए हम इसे एकदम पतला शेप इसमें बेलेंगे, देखिए। और ये देखिए हमारा पराठा हो गया है। तो देखिए गाइस हम सारा पराठा ऐसे ही बना लेंगे, आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा, बिल्कुल अच्छा तरीके से ही बनेगा, ना टूटेगा ना फूटेगा, कुछ भी नहीं होएगा, बहुत अच्छे से बनता है और बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस। देखिए देखिए हमने सारा पराठा अभी हमारा रेडी हो जाने वाला है और ये टिफ़िन हम अपने हस्बैंड को भी दूंगी और हमारे घर में नाश्ता भी सब बच्चे लोग करते हैं और टिफ़िन भी लेके जाते हैं। देखिए हमारा सारा रेडी हो गया। देखिए मैंने सारा पराठा बना के रेडी कर लिया। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये हमारा सैंपल सी रोटी है, हमारे रोटी और प्याज के पराठे में कोई अंतर नहीं है।